Am I audible, all of you? Am I audible? Okay. So, uh, <clears throat> क्या नाम है आप लोग का कुशाग्र और वंशिका ओके okay. तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू ठीक है हम लोग का सी एम टू में जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स ठीक है तो अभी तक जो भी कुछ हमने किया है ठीक है उसको एक बार आज हम लोग पहले समअप करेंगे क्योंकि बहुत लोग का किसी का एक क्लास नहीं किया हुआ किसी का दो क्लास नहीं किया वे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब जैसे देखो हमने अराउंड फाइव सिक्स जो भी सब क्लासेस की हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले हमने जो चालू किया था अपना टॉपिक का डिस्कशन वो चालू किया था शेयर वैल्यूएशन से ठीक है कि भाई शेयर का अगर मान लो आज हम लोग प्राइस पे करते हैं फॉर एग्जाम्पल सब लोग अपना फोन निकाल के रखना मैं मार्केट uh, का कुछ शेयर्स का प्राइस बोलूंगा वो मेरे को बताना ठीक है Uh, सबसे पहले मेरे को तुम लोग दाम बताएगा आईटीसी uh, का दाम बताओ आईटीसी का जो कंपनी है उसका दाम बताओ पांच सो नौ रुपया राइट तो ये जो आईटीसी कंपनी का जो शेयर है इसका दाम है पांच सौ नौ इसका मतलब है आज अगर हम इसका पांच सौ नौ रुपया दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में मेरे को इससे उतना का वैल्यू डिराइव होगा तुम कोई भी चीज का अगर आज पेमेंट कर रहे हो तुम्हारा जो आउटफ्लो हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है

उसके और एक दो साल पहले देख ढाई तो सौ उसके और एक दो साल पहले देखते कोविड टाइम्स तो समझा ना तो बेसिकली ये तो शेयर का बात हो गया कि शेयर डिडेंड देता है ठीक है डिविडेंड में भी आज हम लोग एक बहुत अच्छा चीज देखेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी उसके बाद अपने डेरिवेटिव्स पे आएंगे डिविडेंड्स में लाइक शेयर्स में डिविडेंड का एडजस्टमेंट जो होता है ना उसमें दो टाइप का चीज होता है एक होता है कम डिविडेंड और एक होता है एक्स डिविडेंड ठीक है अब क्या होता है जैसे मान लो मैं शेयर खरीदा आज कृतिका शेयर खरीदी कल ठीक है कुशाग्र शेयर कुशाग्र नाम है ना कुशाग्र शेयर खरीदा दो दिन बाद तुम खरीदी एक हफ्ते बाद ठीक है अब डिविडेंड कंपनी कैसे देगा डिविडेंड क्यों देता है क्योंकि आपने रिस्क उठाया आपने कंपनी को पैसा दिया राइट आपने कंपनी को पैसा दिया आप कंपनी के मालिक हो तो कंपनी का जो भी सारा प्रॉफिट है कंपनी का जो भी सारा अर्निंग है उस पर आपका हक है दो चीज होता है एक होता है आपका एक होता है आपका अर्निंग पर शेयर एक होता है आपका अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी का टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज अर्निंग पर शेयर बट क्या कंपनी अगर मान लो सौ रुपया कमा रहे तो क्या कंपनी सौ रुपया बांटने को रेडी है द आंसर इज नो कंपनी चाहता है कंपनी एक्सपेंशन में पैसा लगाए तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डीपीएस विच इज डिविडेंड पर शेयर ठीक है तो EPS जो होता है जरूरी नहीं है कंपनी क्या करेगा ये ऐसा हो, ऐसा हो जरूरी नहीं है एक मेच्योर कंपनी है ठीक तो है ठीके? अब जैसे मेरा बिजनेस समझ लो मेरा बिजनेस में मैं पैसा ज्यादा बिजनेस से निकालता नहीं हूं ठीक है तो अब जैसे मेरा एक्सपेंशन प्लान है मैं बैंगलोर में भी जाऊँगा मैं बॉम्बे भी जाऊंगा फिर उसके बाद टीएर टू सिटीज में जाएंगे ठीक है तो ऐसा अगर कंपनी का विजन है तो कंपनी क्या करेगा बहुत ज्यादा पैसा डिविडेंड में नहीं बांटेगा ठीक है कंपनी क्या करेगा एक परसेंट का दो परसेंट का डिविडेंड दे देगा तो डीपी रेशियो मान लो फिफ्टी परसेंट का है और अर्निंग पर शेयर है सौ तो कंपनी डिविडेंड कितना बांट रहा है पचास चीज समझा ये बेसिक चीज है अब जैसे शेयर इज ए रिस्की एसेट रिस्की क्यों क्योंकि शेयर मार्केट कुछ भी हो सकता है जो था, का, अब जैसे मान लो, लो, लो मैंने अगर uh, मैंने अगर कोई भी शेयर को छह महीना के लिए होल्ड किया है तो मेरे को फॉर एग्जांपल एक साल का एक साल में बारह महीने होते हैं कंपनी एक सौ बीस रुपया फॉर एग्जांपल कंपनी एक सौ बीस रुपया का डिविडेंड दे रहा है एक साल का रखने का अगर मान लो कोई पांच महीना रखा है तो कितना डिविडेंड मिलना चाहिए अगर बारह महीने का एक है तो पांच महीने का कितना होना चाहिए पचास चार महीने का चालीस तीन महीने का तीस दो महीने का बीस तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है तो कंपनी क्या पूरा दिन यही करते रहेगा क्या कि भैया आप दो महीने के लिए रखें आपका बीस बनता है आप एक महीने के लिए रखें आपका दस बनता है आप आठ महीने के लिए रखें आपका अस्सी बनता है कंपनी तो ऐसा ऐसे दिवानी लगाएगा तो इसीलिए एक रिकॉर्ड डेट होता है रिकॉर्ड डेट बोलता है जो जो मेरा कंपनी का इस दिन शेयर होल्डर है उसको ही डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट पहले अनाउंस होता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आई टी सी का एग्जाम्पल लेता हूँ ठीक है मैं आपको दिखाई देता हूँ आज थोड़ा सा क्या है थ्योरी पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है इसको अपने एक बार देख लेते तो बेटर रहेगा अब जैसे देखिए आपके स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं हा? अच्छा ठीक है रुको मैं ऊपर करता हूं इसको ठीक है बेसिकली मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कम हो गया ठीक है अब देखिए एक चीज

सेट फाइनल डिविडेंड इज इन एडिशन टू इंटरिम डिविड कंपनी एक क्वार्टर दो क्वार्टर का परफॉर्मेंस के बाद नहीं है ना देखो इंड का बुक्स कब बनेगा अपना थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को तो कंपनी ने एजीएम रखा उसके चार महीने बाद ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई ट्वेंटी फोर को ठीक है ना आप देखो क्या बोल रहे हैं इंटरम डिविड पर से डिड बाई द्वेंटी नाइन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर

रिकॉर्ड डेट क्या बोलते हैं चार जून कंपनी बोला कि हम साढ़े सात रुपया का डिविडेंड सिर्फ उसी को देंगे जो चार जून को मेरे बुक्स में शेयर होल्डर है तुम समझो अब तुम बोलेगा सर टी प्लस टू में सेटलमेंट होता है जैसे मान लो आज अगर हम लोग कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं कल हम लोग बोलते हैं बीटीएसटी बाय टूडे सेल टूम एंड परसों को वो हमारे डीमेट में आ जाता है ठीक तुम लोग को ये सब चीज समझने के लिए तुम लोग को थोड़ा सा शेयर मार्केट में जितना तुम्हारा कैपिटल है जितना तुम्हारा बेसिकली फंड uh, है पांच हजार हो गया दो हजार हो गया पांच हजार दस हजार तुम इन्वेस्ट करो तुम जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक तुमको नहीं समझ में आएगा अगर किसी को सीएम डिजायर है कि भाई मेरे को तो अस्सी लाना है मेरे को तो नब्बे लाना है मेरे को तो पूरा चीज अच्छा समझना है देखो पासिंग द दे एग्जाम जो पढ़ रहा है तुम इतना पैसा जो दिया ये ऐसा चीज है तुमको ये सब चीज़ समझ के बढ़ेगा। घर में कभी डिस्कशन होगा कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए हम प्रॉफिट का, का ग्रोथ देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे कंपनी का, का, का प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे कंपनी कौन से इंडस्ट्री में ऐसे करके कंपनी का बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है कंपनी कौन चला रहा है ये सब चीज हम हर चीज देखेंगे ठीक है तो चार जून को जो कंपनी के बुक्स में तो आप दो जून को पहला बात तो शेयर खरीद लो आप दो जून को अगर हजार शेयर खरीद लेते हो तो चार जून को आप कंपनी के बुक्स में आ जाओगे ठीक है तो इसका तो मतलब यह हुआ कि दो जून को आप शेयर खरीदा चार जून को आप कंपनी के बुक्स में आ गए और पांच जून को आप शेयर बेच दो ठीक समझो अगर ऐसा कोई करता है तो इससे क्या होगा मान लो आपने दो जून को शेयर खरीदा पांच में फॉर एग्जाम्पल और आपने पांच जून को शेयर बेच दिया पांच में ठीक है और अल्टीमेटली क्या हुआ हजार शेयर पे आपको साढ़े सात रुपए साढ़े सात हजार रुपए का आर्बिट्रेज हो गया आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता मतलब है हो हो तो मैं ये पूछता हूं ऐसा कोई क्यों नहीं करता है ऐसा करने को कोई दिक्कत थोड़ी है रिकॉर्ड डेट का मतलब पता है क्या होता है चार तारीख है तो चार तारीख को कंपनी के बुक्स में शेयर होल्डर लोग आ गया ना अब पांच तारीख को कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा चार तारीख को कम डिविडेंड और पांच तारीख जब खुलेगा ना तो उसमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो चुका होगा फॉर एग्जाम्पल अगर चार तारीख का क्लोजिंग है पांच सौ रुपया तो पांच तारीख को सुबह पता है कितना में खुलेगा फोर नाइनटी टू पॉइंट फाइव पे खुलेगा बाकी जो बाइंग सेलिंग प्रेशर है वो अलग चीज हो गया बट चार तारीख को अगर कंपनी का शेयर बंद हो रहा है पांच सौ में और साढ़े सात रुपए का डिविडेंड है तो पांच तारीख को कितना में खुलेगा पांच सौ में नहीं खुलेगा वो वो फोर नाइनटी टू कंपनी का जो शेयर है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, एक्स का मतलब क्या होता है? कि भाई कंपनी का शेयर प्राइस में डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो चुका है तुम चीज समझो क्योंकि अब पांच तारीख को अगर कोई शेयर खरीदता है तो तीस जुलाई को जो पैसा सबका बैंक में जाएगा अगर मान लेते तुमने तीन जून को खरीदा होता

क्योंकि पांच तारीख को जो भी शेयर होल्डर है वो लोग को ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा जो चार तारीख को है उसी को बेनिफिट मिलेगा तो तुम तुम अगर अगर ये सोच रहा है कि डिविडेंड डिविडेंड मान लो कंपनी अनाउंस किया पहला बात तो ये समझ लेना आज के दिन पे आज के दिन पे ऐसा चोर चमार टाइप का दिन में अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर मतलब अच्छा कंपनी है मतलब कंपनी प्रॉफिट तो कमा रहा है लोग तो लॉस मेकिंग कंपनी का हाई वैल्यूएशन पे बेचा खरीदा बेची कर रहे हैं आज के दिन पे अगर कोई कंपनी डिविडेंड कर रहा इट अ वेरी दिखा दूंगा चार जून को हो गया कहानी खत्म डिविडेंड का पांच जून को कंपनी का जो शेयर प्राइस है मैं सारा चीज बता रहा हूँ मैं सारा चीज बता रहा हूँ पांच जून को कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा क्योंकि एक चीज समझो अब चार तारीख को तुम कंपनी का रिकॉर्ड बुक्स में आ गया अगर पांच तारीख को तुम बेच देगा पांच में तो ये तो आर्बिट्राज हो गया ना तो शेयर मार्केट को एकदम पूरा फेयर रहने के लिए कैपिटल मार्केट्स मार्केट्स आर व्हाट आर्बिट्राज आर्बिट्राज फ्री फ्री तो 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 अगर अगर शेयर शेयर को आर्बिट्राज फ्री रहना है तो प्राइस पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना क्योंकि अगर मान लो कोई तीन तारीख को शेयर खरीदता है तो पांच तारीख को वो शेयर होल्डर बनेगा तो पांच तारीख को अगर वो शेयर होल्डर बनता है तो पांच तारीख को तो उसको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा ना तीस तीस जुलाई वाला ठीक है डिविडेंड तो सिर्फ उसी को मिलेगा जो जो चार जून को कंपनी के बुक्स में शेयर होल्डर था अब मैं तुमको ग्राफ दिखाता हूं तो तो जाएगा। क्या तो जून को डिविडेंड नहीं मिलेगा जून को वो कंपनी के बुक्स में आ जाएगा एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड उसको मिलेगा तीस जुलाई को ही बट ऑन फोर्थ जो है उन्हीं को तीस जुलाई को डिविडेंड मिलेगा चीज समझो रिकॉर्ड डेट वाला ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंटरव्यू में पूछेगा बोलेगा बताइए तो डिविडेंड का कैसे एडजस्टमेंट होता है तो अरे अब बेसिकली बोलने का मतलब क्या है वाई डू यू शेयर क्योंकि तुमको डिविडेंड मिलता है हमने जो डिस्कस किया था फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब क्या आगे का रेट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है आगे का रेट स्पॉट मतलब क्या आज का फॉरवर्ड मतलब क्या आगे का तो एक बात सोचो अगर एक साल का टाइम पीरियड अगर एक साल का टाइम पीरियड है ठीक है तो एक साल में अगर कंपनी दो बार डिविडेंड दे रहा है एक बार पांच रुपए का एक बार साढ़े सात रुपए का तो क्या वो डिविडेंड तुमको मिलेगा द द आंसर इज नो बिकॉज यू आर नॉट ओनर ऑफ द शेयर

जिसको हम लोग ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं कॉल ऑप्शन इज वॉट राइट टू बाय एट स्पेसिफाइड प्राइस इन द फ्यूचर अगर मेरा मन करेगा तो मैं तुमसे खरीदूंगा वरना मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा पुट ऑप्शन मतलब क्या होता है राइट टू सेल एट स्पेसिफाइड प्राइस इन द फ्यूचर अगर मेरा मन होगा तो मैं तुमको बेचूंगा वरना मैं तुमको नहीं बेचूंगा तो दिस इज कंटिंजेंट क्लेम कंटिजेंट क्लेम का मतलब क्या अगर जी समझो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है मैंने एक टोन सिखाया था ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा तो कंटिंजेंट क्या है कंटिंजेंट इवेंट क्या है शेयर प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा तो डिफरेंस आएगा ठीक है एंड पुट ऑप्शन का मतलब क्या है नीचे जाने से डिफरेंस आएगा तो स्ट्राइक के अगर नीचे जा रहे है, तो आपको पैसा आएगा ठीक है ना अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं एक और उसके बाद में खुशी वेद का डाउट लेंगे ठीक है एक ग्राफ देखिए आप लोग ठीक है डेट क्या था अपना डेट क्या था अपना 26 नहीं 30 30 जुलाई था क्या 30 जुलाई था ना आइए इसको अपने यहां पर देख लेते हैं यहां बेटर समझ में आएगा ये रहा ये देखो जिस दिन मिला है उस दिन जिस दिन रिकॉर्ड डेट देखो ये रहा देखो ये रहा ये देखो ये जो आ रहा है ना यहाँ पर ये देखो ये ये तीन जून है तो तीन जून को कितना चल रहा है, है ना अब देखो यहाँ खुला कितना में देखो ये है उसके बाद में ये खुला कितना में है वो चलो वो तो बाइंग सेलिंग प्रेशर है वो अलग चीज हो गया ठीक है बट आप चीज समझो ये जो है ना ये बेसिकली ये जो डी है इसका मतलब यहाँ पर आपका जो शेयर है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड हो रहा है आप ये समझो कंपनी का जो बुक्स है कंपनी बोला ये जो पैसा है ये मेरा नहीं है ये ये चला ये चला गया है ये पैसा खाली मैं रख के रखा हूं तुम चीज समझो कंपनी का शेयर प्राइस में कंपनी का लाइबिलिटी क्या एडजस्टमेंट होगा कि डिविडेंड डिविडेंड चला गया ना आज जैसे मान लो मैं अपना ये कैपिटल से बनाया एक करोड़ रुपया मैं दस लाख रुपया यहां से निकाल लेता हूं तो मेरा बिजनेस में कैपिटल कितना बचेगा नब्बे लाख रुपया बचेगा ना तुम चीज समझा ना वही चीज मैं बोल रहा हूँ कंपनी क्या बोला बट देखो यहां पर जुलाई में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जिस दिन पैसा जा रहा है वो तो खाली एक मात्र काम पूरा करना है अपने को, अपने को कंपनी मुंह से निकाला कब कंपनी मुंह से निकाला कब कंपनी चार जो बोला जिस जो भी मेरा बुक्स में शेयर होल्डर है चार जून को उसको हम तीस जुलाई को साढ़े सात रुपए का डिविडेंड देंगे तो तीन जून को सॉरी तो चार जून को कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कम डिविडेंड ट्रेड हो रहा है मतलब चार जून को कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें फ्यूचर बेनिफिट है और ये जो coming, जो कमिंग कम क्यों? एडजस्टमेंट है वो हो चुका है नहीं तो सोचो कितना कंपनी के लिए मुश्किल होता कंपनी को कैलकुलेट करना पड़ता कोई तीन महीने का शेयर होल्डर है तो उसको तीन महीने का डिविडेंड फिर कंपनी को पास्ट ओनर्स भी खोजने पड़ते इसलिए कंपनी डिविडेंड का ऐसा प्रैक्टिकल में एडजस्टमेंट किया तुम बहुत चीज ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई इतना इजी नहीं है समझना तुम्हें तुम प्रैक्टिकल पहले प्रॉब्लम सोचो आज जैसे मान लो प्रॉब्लम क्या था जिसको यहां से सॉल्व हुआ एक साल का पीरियड है कोई शेयर रखा तीन महीना फिर उसके बाद कोई शेयर रखा नौ महीना ठीक है और कंपनी बोलता है हम बारह रुपये का डिविडेंड देंगे ठीक है तो इसको मिलना चाहिए तीन रुपया इसको मिलना चाहिए नौ रुपया तुम चीज समझा लेकिन होता क्या है कंपनी जब यहाँ पर चालू करता है मान लो पांच सौ रुपये से तो तीन महीना में तीन रुपए का डिविडेंड यहाँ पर एड हो जाता है कंपनी का अर्निंग में हो रहा है ना क्योंकि कंपनी तो अभी तक ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है कंपनी जब अब जैसे मान लो ये यहां तक रखा तो इसका भी तो नौ रुपया हो रहा है ना कंपनी यहाँ जाके अनाउंस करता है तो यहां कंपनी का प्राइस कितना होना चाहिए पांच सौ बारह तो ये बेच कितना में पांच सौ बारह खरीदा कितना था? पांसो में था पांच सौ में पांच सौ तीन में फॉर एग्जाम्पल पांच सौ तीन में खरीदा तो इसको तो इसका पैसा मिल गया ना जो ये रिस्क लिया उसको तो उसका डिविडेंड का पैसा मिल गया क्योंकि शेयर प्राइस में डिविडेंड इज

कंपनी का शेयर प्राइस मान लो चल रहा है हजार रुपया ठीक है फेस वैल्यू दस रुपया और डिविडेंड दे रहा है एक रुपए का तो नॉट इवन वन परसेंट बिकॉज कंपनी कैपिटल अप्रिसिएशन दिखा रहा है यही हजार रुपया जाके बारह सौ रुपया हो जाएगा कुछ टाइम बाद कंपनी के पास अभी इतने सारे प्रॉफिटेबल वेंचर्स है कंपनी एकदम आराम से उसमें पैसा बना सकता है ठीक है क्लियर है सबको अच्छा हाँ खुशी वे आपका डाउट रहता है कि आगे बढ़ जाए सर um, मुझे एक्चुअली डाउट था कि, uh, वो तो तो किया तो, 26 तो फिर हाँ. जून को मतलब कितना अमाउंट से कम होना है वो पूछ रही है वो डाउट ये पूछ रही है कि 26 जुलाई फॉर एग्जाम्पल थर्टी जुलाई को पैसा जा रहा है तो बोलती है उस दिन एडजस्ट नहीं होकर ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज देखो कंपनी का बुक्स में जो है शेयर होल्डर चार जून को उनको वो डिविडेंड मिलेगा तो वो तो रिकॉर्ड डेट आ गया ना नहीं तो फिर आर्बिट्रेज होगा अगर अगर कंपनी के शेयर प्राइस में पांच जून को एडजस्ट नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे दो तारीख को खरीदेंगे चार तारीख को डिमेट में पांच तारीख को डंप कर देंगे तो कब खरीदा भी पांच सौ में बेचा भी पांच सौ में साढ़े सात हजार मुफ्त का हो गया ना तो ये चीज नहीं होता इसलिए एक्स डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट होता है वो तुम्हारा पांच तारीख को होगा तो कंपनी के पास पैसा है बट वो बेसिकली एडजस्ट हो चुका है बुक्स में अब कंपनी बस खाली पैसा बांटेगा ठीक है ये चीज सबको क्लियर हो गया ओके okay. uh, अब जैसे हाँ बोलो सर मुझे वैसे नहीं पूछना था मतलब आपने बोला पांच तारीख को जितना भी डिविडेंड होगा उतने से कंपनी का शेयर प्राइस कम हो जाएगा हाँ, तो वो अमाउंट कैसे नहीं अमाउंट वैसे अरे अमाउंट तो कंपनी डिसाइड किया ना कि मैं साढ़े सात रुपए का डिविडेंड दूंगा तो नॉट एग्जैक्टली लेकिन वो तो 26 जुलाई को आ, डिसाइड हुआ ना तो 5 जून को फिर साढ़े सात कैसे नहीं 26 जुलाई को डिसाइड नहीं हुआ ये अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका है एजीएम में आया है कि कंपनी ने टोटल में इतना रुपए डिविडेंड दिया है फोर्थ जून के पहले ही डिविडेंड अनाउंसमेंट हो जाएगा जैसे देखो मैं तुमको दिखाता हूं यहां पर 1 मिनट 1 मिनट ये जो है ना ये देखो 1 मिनट रुको देखो कंपनी क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो अब जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है वो अपना शेयर हमेशा के लिए रखेगा ठीक है कंपनी 26 जुलाई को डिसाइड करता है चीज समझो ठीक है कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी डिसाइड किया कि भाई जो भी मेरा बुक्स में चार जून को शेयर होल्डर था ठीक है उसको हम इतना रुपए देंगे तो इसमें दिक्कत क्या है आज ऑब्वियस सब आता है ना कंपनी अगर मान लो छब्बीस कंपनी का बुक्स सब बन गया प्रॉफिट सब आ गया ठीक है कंपनी को एक तो रिकॉर्डेड बनाना पड़ेगा ना कंपनी को एक तो रिकॉर्डेड बनाना पड़ेगा ठीक है और ये वाला जो है देखो यहां पर क्या होता है यह मैं तुमको दिखाता हूं आ, इसका ऐसे नहीं होता है मैं तुमको यहां दिखाता हूं रुको इसमें इस दिखाता हूं मनी कंट्रोल में दिखाता हूँ तो बेटर समझ में आएगा ये देखो अनाउंसमेंट डेट समझो अब देखो ये रहा आ, अपना लास्ट इसमें आया है ये रहा देखो अनाउंसमेंट डेट देखो तेईस मई का है अनाउंस तो पहले ही कर दे रहे है। वो एजीएम में आया है एक रिपोर्ट बनता है ना कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में आया है कि हमने चार जून को जो भी हमारे बुक्स में शेयर होल्डर हैल्डर साढ़े सात रुपए का दिया लेकिन ये डिसाइड तो पहले से ही हो जाएगा तीन चार डेट्स है पहले अनाउंस होता है पहले डिविडेंड अनाउंस होता है जैसे तेईस मई को अनाउंस हुआ तेईस मई को क्या अनाउंस हुआ कि जो भी मेरे बुक्स में चार जून को शेयर होल्डर रहेगा उसको फाइनल डिविडेंड मिलेगा साढ़े सात रुपए का ठीक है डिविडेंड मिलेगा कब तीस जुलाई को आप समझ में आया खुशी हाँ सर समझ ठीक है देखो ये पूरा हिस्ट्री है देखो ठीक है हाँ

कि पांच तारीख को तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो जाएगा जो पैसा तेरे को मान ले तीस जुलाई को मिलेगा ठीक है वो तो यहाँ तो कम होके मिल रहा है शेयर प्राइस में दिख रहा है ना अब अगर तुम बेचेगा तुम यहाँ खरीदा पांच में तो यहाँ तो फोर नाइनटी पॉइंट यहाँ तुम पांच में खरीदा लेकिन यहाँ तो तेरा फोर में टू पॉइंट मिलेगा ना तो ऑटोमेटिक तो तेरा साढ़े सात रुपए का एडजस्टमेंट यहां हो गया क्लियर है सबको ये

मार्केट का डेफिनेशन ही यही है क्या बोलता है बोले, तुम से तो तुम्हारे से हजार और सेना जो मार्केट में बैठा है क्या करने के लिए पैसा कमाने के लिए नहीं, तो तुम सोचता है कि अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन का जो एक्सपायरी होता है वो थर्सडे को होता है ठीक है तो तुम अगर ये सोचता है कि जैसे, uh, जिस दिन ऑप्शन किया जिस दिन ऑप्शन एक्सपायरी होता है मार्केट हल्का नीचे की तरफ में रहता है ठीक है तो तुम क्या सुच्चा? हम हर दिन थर्सडे को सुबह नौ बजे नौ पंद्रह बजे जब मार्केट खुलेगा ना मैं हजार शेयर शेयर एच डी एफ बैंक का बेच दूंगा तुम्हें तुम ट्रेंड नोटिस किया तो ऐसा नहीं है भाई ऐसा करने को तो सभी लोग कर लेगा ना फिर तो ठीक है एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोग तुम लोग बताना देखो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है पास डेटा को एनालाइज करना ठीक है पास डेटा को एनालाइज करके अगर तुम कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा पा रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस ठीक है चार्ट्स का स्टडी करना अब देखो शेयर प्राइस का ग्राफ कितना रैंडम होता है ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये जो यहाँ पर ग्राफ है एक मिनट ये देखो ये कितना रैंडम है तुम इससे क्या तुम इससे क्या पैटर्न बना रहे बताओ तो मेरे को इसे तो कोई पैटर्न नहीं बना शेयर प्राइस इज रैंडम और शेयर प्राइस रैंडम शेयर प्राइस को मॉडल करने के लिए हम लोग मोशन स्टडी करते में ठीक है तो अब जैसे देखो दो टाइप का चीज इसमें ये तो समझ में आ गया हम लोग को ठीक है अब जैसे हमने फॉरवर्ड ठीक है फॉरवर्ड अगर कोई भी तुमसे पूछे फॉरवर्ड व्हाट इज फॉरवर्ड ठीक है तो तुम बोलेगा भाई देख आज फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का दाम बताओ इन्फोसिस का दाम बताओ कितना आ रहा, बताओ? One, nine, four, आ रहा है ठीक है तो बोलते हैं भाई मेरे को इन्फोसिस का शेयर खरीदना है हम तुमसे खरीदेगा एक साल के बाद खरीदेगा चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं ठीक है कुछ नहीं करेगा मान लो डेल्टा दिया हुआ आठ परसेंट का ठीक है तो तुम क्या करेगा तुम इसी को एक साल आगे ले जाएगा कितना आ रहा है बताओ वन नाइन फोर फाइव ई टू दावर पॉइंट जीरो एट बताइए टू वन जीरो सिक्स पॉइंट नाइन नाइन समझा मैं क्या बोल रहा हूं तो बेसिकली आज स्पॉट एक साल बाद का फॉरवर्ड ठीक है अब इसी में हम लोग दो तीन टाइप का एडजस्टमेंट सीखे थे क्या क्या सीखे थे एक हम लोग सीखे थे फिक्स इनकम अब मान लो इन्फोसिस बोलते हैं हम छह महीना बाद पचास रुपए का डिविडेंड देंगे तो भाई अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो आज तो कुछ नहीं भाई कुछ नहीं सेल ये तो बेसिकली एक टाइप का मुंह कि भाई हम तुमसे बचता है तो अपने को उन्नीस सौ लगता लेकिन यही अपने फॉरवर्ड में एंटर किए तो अपने को तो पैसा नहीं देना है अपने को पैसा कब देना है एक साल बाद तो इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो रहा है ना वही चीज का दाम किए यहां पर अगर मान लेते हैं हम हम तुमको बोलता है कि फीस आज मत दो छह महीना बाद देना तो हम बेवकूफ थोड़ी है हम पच्चीस हजार रुपया थोड़ी लेंगे तुम लोग से हम कितना लेंगे बताओ पच्चीस हजार इंटू एस इंटू पॉइंट बहुत सिंपल चीज है ना हम बोलेंगे छह महीने बाद हम तुमसे क्यों लेगा पच्चीस हजार रुपया हम तो छह महीने का ब्याज जोड़ेगा ना वही चीज है जो तो सेल अब तुम बोल रहे हम तुमसे ये चीज इतना दाम में खरीदेंगे चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं तो अगला तो यही सोचेगा ना आज जो चीज का दाम चला उन्नीस सौ पैतालीस रुपया छह महीने बाद तो ज्यादा ही होगा ना तो उसमें इंटरेस्ट का जोड़ा है अगला अब जो चीज मेरे को नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस बोलता है छह महीने बाद हम डिविडेंड देंगे पचास रुपए का तो वो जब मेरे को नहीं मिलेगा हम सामने वाले को क्वेश्चन करेंगे ना कि जो चीज मेरे को नहीं मिल रहा है उसका दाम हम क्यों दें तुम सोचो कोई मेटल का बात करो गोल्ड है गोल्ड में स्टोरेज कॉस्ट लगता है मैं एक ज्वेलर के पास गया था कैलकटा में तो वो पूरा जो मूवीज में नहीं दिखाता है बहुत बड़ा एक तो व्हील टाइप का रहता है जिससे पूरा सेफ खुलता है तो स्टोरेज कॉस्ट है ना भाई गोल्ड का इट्स अ प्रेशियस मेटल है गोल्ड उसके पीछे चाहे पास बॉडी गार्ड है सिक्योरिटी है कि कोई लेके नहीं चला जाए तो वो स्टोरेज कॉस्ट स्पॉट में लगेगा फॉरवर्ड में नहीं लगेगा स्टोरेज कॉस्ट गोल्ड में लगेगा ना लेकिन गोल्ड, गोल्ड, में लगेगा। तुम फिजिकल गोल्ड गया बोला हमको एक किलो का बुलियन दीजिए और हमको पचास बुलियन दीजिए उसको तो रखना पड़ेगा ना कहीं पर तो कहीं रखेगा तो स्टोरेज कॉस्ट आएगा उसका तुम बैंक का लॉकर में रखेगा घर का लॉकर तो वो स्टोरेज कॉस्ट फॉरवर्ड में तो नहीं लगता है ठीक है कन्वीनियसड है अचानक से मान लो तुम कोई चीज़ का ट्रेडिंग में है फॉर एग्जाम्पल तुम आयरन ले लो या फिर तुम कोई भी मेटल ले लो कॉटन जूट कुछ भी ले लो ठीक है तुम्हारे पास था कस्टमर आया तुम बेच दिया तुम्हारे पास था कस्टमर आया तुम बेच दिया अभी देखो हम लोग सौ सौ बुक्स यहाँ पर स्टोर करके रखे हैं क्यों कन्वीनियंस है तुरंत कोई स्टूडेंट आएगा एडमिशन लेगा बुक्स दे देंगे अगला को ये नहीं सुनने को मिलेगा बुक्स नहीं मिला तुरंत आएगा बच्चा एडमिशन देगा पैसा लेगा बुक्स मिलेगा यही अगर मान लो मैं यहाँ पर नहीं रखता हूँ तो मेरा तो कन्वीनियंस कन्वीनियंसिल नहीं है ना लेकिन वो रख के रखा यहाँ पर तो स्टोरेज कॉस्ट है, तो है? है, है आज तुम देखिएगाटल होता है का, तुम शॉप में गया बोला भाई ये सामान है बोलेगा हाँ बैठिए दस मिनट हम ला रहे कस्टमर चला जाएगा क्यों चला जाएगा क्योंकि उसको बताओ कहीं से ला के देगा तो इसलिए लोग स्टॉक रखते है ना अगर ऐसा होता बिना स्टॉक रखे तो सब लोग ऐसे ही काम करता अब रुकिए हम लाके के दे रुकिए हम लाके के देख आप रुके हम लाके के देर ऐसा नहीं होता है ना ऐसा नहीं होता लोगों का तो टाइम का वैल्यू है तो वही चीज मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि फॉरवर्ड में अब बताओ क्या क्या है और क्या क्या नहीं अपने जो इसमें किए थे रिविजन कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल अपने किए थे कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में क्या क्या है फॉरवर्ड में अपने को इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है क्या फॉरवर्ड में फॉरवर्ड में अपने को इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है क्या जल्दी बताओ

डिडेंड जो मिलता है या फिर जो इनकम जो मिलता है जो ड्यूरेशन है वो फॉरवर्ड में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है इंटरेस्ट कॉस्ट स्पॉट में लगेगा स्टोरेज कॉस्ट स्पॉट में लगेगा कन्वीनियंस स्पॉट में है डिविडेंड या फिर इनकम स्पॉट में है समझा इसमें दो चीज पॉजिटिव है दो चीज नेगेटिव है कौन कौन सा पॉजिटिव चीज है बताओ इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लग रहा है स्टोरेज कॉस्ट नहीं लग रहा है लेकिन यही डिविडेंड इनकम नहीं मिलेगा और कन्वीनियंस नहीं मिलेगा इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल यही प्लस माइनस करेंगे तो अपना स्पॉट से फॉरवर्ड में पहुंचेंगे मैंने आपको ये भी दिखाया था कि कोई भी स्टॉक है उसका जो फॉरवर्ड ऑब्लिक जो फ्यूचर्स है वो तीन महीने का मिलेगा अभी जैसे अपने अक्टूबर में एंटर तो अक्टूबर एंड नवंबर एंड और डिसम्बर एंड कुछ नहीं है अब आपने कौन सा एक्साम्पल लिए थे ना एस बी आई का एग्जाम्पल लिए थे अपने तो था आठ सौ रुपया पांच पांच रुपया बढ़ा के था एक महीना बाद का था आठ सौ पांच दो महीना बाद का आठ सौ दस और तीन महीना बाद का आठ सौ पंद्रह यही तो था ना और तो कुछ नहीं था उसमें ठीक है तो बेसिकली उसमें क्या ऐड हुआ था इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हुआ था और कुछ और तो कुछ ऐड नहीं हुआ उसमें ठीक है तो अब ये तो हो गया नाउ वॉट इज द डिफरेंस मेरे को ये बताना डिफरेंट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड और फ्यूचर ठीक है फॉरवर्ड और फ्यूचर अब जैसे मान लो कोई किसान है ठीक है तो दो टाइप का चीज होता है एक होता है ओवर द काउंटर और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड तो फॉरवर्ड इज वॉट फॉरवर्ड इज वॉट ये सब नहीं करेगा तो हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे भाई तुम तो लोग नहीं समझ रहे डेरिवेटिव इज द कोर डेरिवेटिव इज द कोर बाकी तुम फाइव स्टेप प्रूफ मत पढ़ो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में आएगा छोड़ देना दस नंबर कम आएगा समझ में आता है बट तुम अगर थीम नहीं समझ रहे टॉपिक का तो फिर पेपर पढ़ के कोई मतलब नहीं है ठीक है तुम ये बताओ फॉरवर्ड और फ्यूचर में फॉरवर्ड ओवर द काउंटर है कि फ्यूचर ओवर द काउंटर है फॉरवर्ड इज ओवर द काउंटर फ्यूचर इज वॉट एक्सचेंज ट्रेडेड ठीक है फॉरवर्ड क्या है फॉरवर्ड में क्या है क्रेडिट रिस्क हल्का ज्यादा है लेकिन एक्सचेंज ट्रेड में क्या मार्जिन का कॉन्सेप्ट है अब मार्जिन का को, को डिस्कस कर लेते हैं जब मैं बात करता हूं एक्सचेंज का तो एक्सचेंज में कॉन्सेप्ट आता है क्लियरिंग हाउस का क्लियरिंग हाउस एज बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर तो बोलता है भाई आपको ट्रेड लगाना है पहले मार्जिन डिपॉजिट करिए पहले मार्जिन डिपॉजिट करिए और मैंने आपको यह भी समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल अपने इन्फोसिस uh, का एग्जाम्पल ले लो ठीक है गूगल पे सर्च करो व्हाट इज लॉट साइज फॉर एफ एनो इन इन्फोसिस what is the lot size for एफ एनो इन इन्फोसिस का लॉट साइज है आप करो एक बार कैलकुलेट करो 1900 हंड्रेड इंटू बताओ कितना आता है मोटा मोटी ये आपका 8 लाख का एवरेज आना चाहिए तुम समझ रहे हो ना मोटा मोटी 8 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू होगा इंडियन मार्केट्स में वो 8 लाख के अराउंड का होता है ठीक है अब जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है पचास हजार का लॉट है तो साढ़े लाख हो रहा है समझ रहे हैं निफ्टी में लॉट साइज कितने का है बताओ देख के बताओ निफ्टी में लॉट साइज कितने का है 25 है कि 50 है चेक करो एक बार 25 हो गया अभी मार्केट कितना चला है निफ्टी का निफ्टी कितना चला? रहा है 26000 चल रहा है क्या कि 25000 चल रहा है 25000 चल रहा है लॉट साइज तुमने कितना बताया 25 तो कितना आ रहा है मोटा मोटी 6 6 लाख 25000 आ रहा है क्या समझा ना मोटा मोटी तुमको छह से आठ लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज मिलेगा ठीक है ना अब हम लोग क्यों फ्यूचर्स में एंटर करते हैं क्यों में नहीं जाते हैं पहला बात तो तुम इंडेक्स को बाय नहीं कर सकता है अगर इंडेक्स को तुमको बाय करना तो तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको ईटीएफ में जाना पड़ेगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में तुमको जाना पड़ेगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में तुमको जाना पड़ेगा तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है तो जैसे निफ्टी में देखो एक सर्च करके बताना निफ्टी बीज है निफ्टी बीज क्या है देखो दाम बताना डिवाइड बाय हंड्रेड होगा मोटा मोटी ढाई के आसपास चल रहा होगा देखो। निफ्टी बीज एफ, प्राइस, 278. तुम इसका जब हंड्रेड क्वानिटी बाई करेगा ना मतलब एक और एटीएफ देखो बैंक निफ्टी देखो बैंक बीज नाम है चेक करो बैंक बीज नाम है चेक करके बताओ कितना आ रहा है फाइव टू फोर और वही चल रहा है मोटा मोटी फिफ्टी टू थाउजेंड के आसपास चल रहा है ठीक है उसके अंदर तुम गोल्ड का बाई कर सकते हो गोल्ड बीज का नाम देखो गोल्ड बीस गोल्ड बीज गोल्ड बीज है सिल्वर बीज है सब ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड माने इंडेक्स को तो तुम बाय नहीं कर सकता है ना अगर इंडेक्स को बाय करना मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूएंस को बाय करना पड़ेगा तो वही काम निपोन करके देता है तुम्हारे लिए तुम इस ईटीएफ को बाय करेगा मतलब तुम इंडेक्स को बाय कर रहा है ठीक है ना आज के दिन में तुम्हारे पास मान तुम लो पांच लाख रुपए है तुमको नहीं समझ आ रहा किस में पैसा लगाए तुम ईटीएफ में पैसा लगाओ ईटीएफ इज इज जस्ट द इंडेक्स ओनली

लेकिन यहां पर क्या है तुम बैंक भी सिंपलीफाई कर रहा है इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ठीक है लिया बेची बहुत लिक्विड है इसका तो अब जिससे बेसिकली बोलने का मतलब ये है अपने जो एग्जाम्पल देखे थे ठीक है अपने जो एग्जाम्पल देखे थे बेसिकली एक ग्राफ से समझना ठीक है जो फॉरवर्ड कमिटमेंट का मैं बात कर रहा हूं अभी ठीक है तो ये मान लो, अगर तुम्हारा फिक्स हुआ ये तुम्हारा फॉरवर्ड का प्राइस है एफ जीरो ग्राफ मैंने बनाया था तो कुछ ऐसा बनाया था ना क्यों क्यों ऐसा इसका ग्राफ बन रहा है आठ सौ ठीक है फॉरवर्ड प्राइस अपना फिक्स होता है आज का स्पॉट चल रहा है मान लो सेवन नाइनटी फाइव कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट एड करके आठ सौ रुपया ठीक है ठीके? तुम बाय किया मतलब तुम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय किया क्योंकि तुमको लगता है इसका दाम ऊपर जाएगा अगर मान लो आठ सौ एक हो जाता है तो एक रुपया आएगा आठ सौ दो हो जाता है तो दो रुपया आएगा आठ सौ तीन हो जाता है तो तीन रुपया आएगा आठ सौ दस हो जाता है तो दस रुपया आएगा वहीं उल्टा तरफ सेवन नाइन्टी नाइन एक रुपया गया सेवन नाइन्टी एट दो रुपया गया सेवन नाइनटी दस रुपया गया इसीलिए फॉरवर्ड कमिटमेंट है लेकिन अपने जब कॉल ऑप्शन का जब ग्राफ बनाए थे कॉल ऑप्शन का जब अपने ग्राफ बनाए थे तो वो कुछ ऐसा बना था ध्यान देना वो कुछ ऐसा बना था मैंने बोला अगर ये अपना स्ट्राइक प्राइस है ठीक है तो स्ट्राइक प्राइस के पहले तो लैप्स है

वो चीज हम तुमसे हजार में क्यों खरीदेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा Labs. लेकिन में कोई अगर मिल का जो हम तुमसे हजार में खरीदेंगे तो हम, तो तो हम, खरी हम क्या करेंगे तुमसे हजार में खरीद मार्केट में कितना में बेचेंगे ग्यारह में और एक क्या बोले थे तुमको लोग ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा कॉल ऑप्शन में ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा ठीक है तो सौ आया मान लो हक का दिए बीस रुपया तो कितना हो गया अस्सी रुपया नेट नेट प्रॉफिट हो गया तो कॉन्टिंजेंट क्लेम के केस में क्या होगा आपको यह समझना पड़ेगा कॉन्टिंजेंट क्लेम के केस में क्या हो रहा है पे ऑफ अपना एसीमेट्रिक है कॉन्टिंजेंट क्लेम के केस में पे ऑफ इज एसीमेट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा अभी आई में जैसे एमसी क्यू आ रहा है ना आई एफ भी बहुत जल्दी लाएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बोलेगा ऑप्शन में पे ऑफ इज एसीमेट्रिक की मेट्रिक तुम्हारा दिमाग वहीं घूम जाएगा तुम्हारा दिमाग वहीं घूम जाएगा तुम सोच ही नहीं पाएगा भाई क्या बोल रहा है ठीक है बहुत सिंपल चीज है भाई देखो ना एसिमेट्रिक हो रहा है ना लेकिन अपने यहां पर जो बनाया यहां पर जो ये क्या है सिमेट्रिक ऊपर नीचे सेम है ना समझा तो फॉरवर्ड में क्या कमिटमेंट है लेकिन ऑप्शन में क्या है ऑप्शन है अपने पास में उसको इसलिए बोलते हैं कॉन्टिंजेंट क्लेम अगर मेरे फेवर में मूव करेगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगा नहीं तो लैप्स ठीक है अब जैसे ये जो चीज हो गया ठीक है

बीस परसेंट अपने को मार्जिन देना पड़ता है ठीक है तो कितना आ जाएगा एक लाख साठ हजार बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं एक लाख साठ हजार रुपए दे के मार्जिन में कितना लाख का माल उठा रहे हैं आठ लाख ,00 नुकसान होगा तो भी पांच गुना प्रॉफिट होगा तो भी पांच गुना ये जो समझाना वही आगे समझ सकता है बढ़िया से इसीलिए ये प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग अपना डिमेट अकाउंट खुलाओ और हल्का फुल्का थोड़ा ट्रेडिंग चालू करो तो तुमको समझ में आएगा बाय क्या होता है सेल क्या होता है तुम एक चीज समझ यही अगर स्पॉट का बात करें स्पॉट में मान ले कोई चीज का दाम अगर मान ले आठ सौ चल रहा है ठीक है अगर स्पॉट खरीदता तो दो सौ क्वान्टिटी खरीदता लेकिन खरीद लिया कितना क्वान्टिटी अगर मान लो एफ प्लस किया है एफ प्लस किया है प्रैक्टिकली एफ माइनस अगर करना है तब तो फॉरवर्ड फ्यूचर में जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते शेयर को सुबह शॉर्ट सेल करेगा तो तुमको शाम तक उसको कवरअप करना पड़ेगा अगर तुमको लॉन्ग टर्म में लगता है भाई ये ये शेयर उतना नहीं चलेगा ये नीचे तरफ में जाएगा तो तुम फॉरवर्ड सेल करेगा फॉरवर्ड सेल क्यों कर रहे हैं क्योंकि तुम बोल दिया है हमको हम इतना में बेचेगा नहीं आ रहा तुम लोग का हम बोला हम f माइनस किया at the rate 850 ठीक है हम बोला मैं इतना में बेचेगा ठीक है बेसिकली इसका परफेक्ट एग्जांपल देखो हम बोला मेरे को एक लाख डॉलर रिसीव होगा एक साल के बाद में ठीक है मेरे को लगता है डर है मेरे को डर है कि भाई कहीं डॉलर गिर ना जाए कहीं डॉलर गिर ना जाए ठीक है आज का स्पॉट चल रहा है 87 ठीक है एक साल बाद का रेट फिक्स हुआ नाइनटी फाइव बोला डॉलर का रेट कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए जीरो दो सो पांच सो हम तुमको कितना में बेचेगा हम तुमको कितना में बेचेगा नाइन्टी फाइव में कब बेचेगा एक साल बाद कितना बेचेगा एक लाख क्या बेचेगा डॉलर सब चीज फिक्स हो गया ना तो एफ माइनस मतलब समझ रहे F तो F जो है एफ माइनस का मतलब क्या है सेल और ये कैसे निकला हम एटी सेवन में इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़े तो मेरा नाइन्टी फाइव आया एटी सेवन आज का रेट है एक साल आगे का रेट कितना है नाइनटी फाइव ठीक है तो F माइनस जो तुम कर रहे ना इसका मतलब है तुम पांच गुना लेवरेज ले लिया है तुम पांच गुना लेवरेज कैसे लिया यही अगर यहाँ पर तुम खरीदा बेची करता तो 200 सौ क्वान्टिटी का कर पाता ना एक लाख साठ हजार में लेकिन तुम कितना क्वांटिटी का कर लिया एक हजार क्वान्टिटी का तो इसलिए फॉरवर्ड और फ्यूचर इज हैविंग नो फ्यूचर ठीक है तो फॉरवर्ड फ्यूचर इज हैविंग नो फ्यूचर ये बात समझ लेना ठीक है जो लोग को लगता है वो लोग बहुत सियाना है कि दो लाख में दस लाख का माल मिल रहा है गला तक माल भर लिया है अब कुछ भी हल्का सा ऊपर नीचे होगा ना तो तुम्हारा नुकसान भी पांच गुना होगा प्रॉफिट भी पांच गुना होगा ठीक है ना तो ये चीज है क्या चीज ऑब्वियसली है। है? बनाया है सट्टाबाजी के लिए और कुछ नहीं है ये बनाया है ये सट्टाबाजी के लिए तुम एक चीज समझ जिसके पास में पैसा है वो फ्यूचर में क्यों एंटर करेगा ये बनाया है लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए ताकि वो लोग का पैसा अपर मिडिल क्लास खा सके सिंपल सा स्ट्रेटेजी है जिसके पास पैसा है ना उसका चाह के भी शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा तुम तो एक चीज समझो मैं बता हूं कैसे जैसे मेरे पास बहुत पैसा है ठीक है मैं क्या किया एफ माइनस कर दिया ठीक है एफ माइनस कर दिया आठ सौ में शेयर है नहीं मेरे पास फॉरवर्ड सेल मतलब क्या भाई हम तुमको इतना शेयर इतना टाइम पे इतना बेचेंगे इतना शेयर इतना टाइम में इतना में बेचेंगे फॉरवर्ड सेल मतलब ये होता है लेकिन शेयर है नहीं मेरे पास इसमें नुकसान कब होगा इसमें नुकसान कब होगा जब ऊपर जाएगा अरे सोचो लॉजिक लगाओ नुकसान कब होगा जब जब ऊपर जाएगा तो ऊपर गया मान लो 1000 हो गया ठीक है हजार हो गया तो 800 सॉरी तो 200 का नुकसान हो रहा है ठीक है सॉरी दो सौ का नुकसान हो रहा है कितना में हजार शेयर में मतलब कितने का नुकसान हो रहा है दो लाख का नुकसान हो रहा है ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऊपर चला गया ना अब मेरे ऊपर है अब मेरे ऊपर है अगर मेरे को लगता है नहीं ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा तो मैं एक और हजार पे बेच दूंगा तुम चीज समझो अगर मेरे को लगता है नहीं ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा मैं एक और हजार में बेच दूंगा या फिर मेरे को लगता है नहीं मेरा ट्रेड गलत हो गया तो मैं हजार में बाय कर लूंगा तुम चीज समझ मैंने बेसिकली बोलने का मतलब जिसका पैसा है ना उसको बहुत दिक्कत लगेगा शेयर मार्केट में नुकसान करने के लिए क्योंकि इसका पास इस पावर है ना वो खरीदा बेची कर सकता है लेकिन जिसके पास था ही दो लाख रुपया अब जैसे ही उसका जिसका कैपिटल ही दो लाख रुपए का था तो 200 पॉइंट मैंने 800 का शेयर पच्चीस बढ़ना कौन सा बड़ा बात हो गया ठीक है तो बेसिकली वही चीज है तो बेसिकली एफ

तो बहुत सिंपल सा स्ट्रेटेजी है क्या होगा आपको एक मार्जिन कॉल जाएगा बोलेगा सर अगर आप कल दोपहर तीन बजे तक या फिर आप आज दोपहर तीन बजे तक मार्जिन को वापस एक लाख पे नहीं किए तो हम आपका ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे इसको बोलते हैं आरएमएस सेलिंग ठीक है ना सो so बेसिकली बहुत सिंपल है और ये जो जाता है मार्जिन कॉल इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन क्योंकि कॉल कितने का भी जा सकता है ना कॉल तो कितने का भी जा सकता है अगर मान लो तुम्हारा नुकसान होके यहाँ पर साठ तक पहुंच गया तो तुमको चालीस का जाएगा पचास हजार का, हो, तो का हो गया तो पचास हजार का जाएगा है, में होता है, में है. Mark mark कैसे? चलो आज हम लोग एसबीआई का फ्यूचर्स का दाम देख लेते हैं बट ये अगर हम कॉन्ट्रैक्ट किए होते बैंक के साथ ओवर द काउंटर की भाई हम आपसे एक साल के बाद में इतना शेयर खरीदेंगे चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं तो वो तो रेट फिक्स था ना उसका

अब जैसे इसका ये है सेवन एटी वन चल रहा है ना अब इसका फ्यूचर्स देख लो कितने का लॉट साइज है बताना एक बार एस का लॉट साइज बताना हाँ सेवन फिफ्टी का लॉट है तो अब देखो कितना चल रहा है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर का चल रहा है सेवन थ्री ठीक है और इसका जो है एन में दाम चल रहा है सेवन वन ठीक है तो ये जो 783 का जो दाम चल रहा है उस दिन चल रहा था 806, ठीक है 806 सौ छह माइनस सेवन करो 806 सौ छह माइनस सेवन करो बाईस रुपए का नुकसान 22 इंटू साढ़े सात करो साढ़े सात करो 22 इंटू साढ़े सात साढ़े सोलह हजार का नुकसान हो गया ना तो फ्यूचर्स में ऐसा लगता है नुकसान ठीक है ना तो यू शुड नो योर स्टॉप लॉस ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब जैसे क्या है ये सब तो ठीक है ठीक है अब जैसे मैंने आपको एक चीज समझाया बहुत अच्छा कि भाई ऑप्शन में क्या है बायर के पास में तो हक है जो सेलर बेच रहा है ठीक है अब अपने स्टार्ट करते हैं माइनस से ऑप्शन में दो टाइप का चीज होता है एक होता है कॉल एक होता है पुट ठीक है कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है राइट टू बाय ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा बायर के लिए सेलर के लिए क्या है ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा क्योंकि उसने हक बेचा है कि भाई अगर तुम चाहो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे से यह शेयर इतना में खरीद सकते हो एकदम सिंपल सर बात याद रखना कॉल का मतलब क्या होता है राइट टू बाय ठीक है और पुट का मतलब क्या होता है राइट टू सेल समझा ना हाँ तो बेसिकली कॉल बेचा है तो कॉल बेचा है तो क्या होगा प्रीमियम जाएगा ना आएगा प्रीमियम जाएगा कॉल बेचा है तो प्रीमियम आएगा बिकॉज ही चीज है ना ऑप्शन सेलर है ध्यान दीजिए ऑप्शन सेलर है अगर तो प्रीमियम क्या होगा प्रीमियम तो आएगा ना क्योंकि हक बेच दिया अगर सामने वाले को हक बेचा है तो प्रीमियम खाया है ना माइंडसेट बताओ अगर कॉल बेचा है तो क्या होगा कॉल बेचने वाले का माइंडसेट सोचो कॉल कोई खरीदता है तो क्या बोलता है ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा ठीक है कॉल बेचा है, मतलब क्या ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा मतलब कब होगा उसका मार्केट ऐसा बुलिश तो अगर कोई बुलिश में है तो वो कॉल खरीदेगा या फिर पुट बेचेगा ठीक है कॉल बेचा है इसका मतलब क्या बुलिश तो नहीं है क्योंकि ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा किसके किसके बीच का डिफरेंस जाएगा देखो कॉल का जो होता है पे ऑफ विच इज मैक्स ऑफ एस टी माइनस के कॉमा जीरो शेयर प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस शेयर प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस ठीक है ना बहुत सिंपल चीज है मैक्स ऑफ माइनस के कॉमा मतलब शेयर प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस ठीक है अब एक चीज समझना अब मैं बोल रहा हूं ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा ठीक है तो ही इज नॉट बुलिश मतलब उसका स्ट्रेटेजी क्या चल रहा है कि मार्केट या तो नीचे तरफ जाएगा अगर मार्केट नीचे तरफ जाएगा तो जो पैसा जो प्रीमियम का खाया वो पूरा उसका और नीचे जाने से कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा लैप्स एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक देखते हैं हम लोग जैसे मान लो स्ट्राइक अपने को दिया हुआ छह सो का ठीक है स्ट्राइक अपने को दिया हुआ है छसो का मेचोरिटी पे शेयर प्राइस हो जाता है साढ़े पांच सौ का ठीक है एंड तुमने कॉल बेचा है और तुमने प्रीमियम खाया है तीस रुपया ठीक है इस केस में क्या होगा चीज समझना तुमने कॉल बेचा है ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा बट गया क्या नीचे नीचे जाने से लैप्स ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा नीचे जाने से लैप्स कॉल ऑप्शन नीचे जाने से लैप्स ऊपर नीचे किसके रेंज में बोल रहे हैं स्ट्राइक के हिसाब से बोल रहे हैं स्ट्राइक के हिसाब से बोल रहे छह सौ के हिसाब से तो छह सौ के हिसाब से तो नीचे गया है तो ऑप्शन इज लैप्स तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हुआ तीस रुपया जो तुम प्रीमियम खाया आईदर योर बियरिश यूर थिंकिंग मार्केट बढ़ेगा बट उतना नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ेगा मतलब share maturity is तो इसके सोच के देखो शेयर प्रेसेट मेच्योरिटी क्या होगा सोच के बताओ हाँ फाइव नेगेटिव का पे ऑफ होगा बट प्रीमियम कितना खाया तीस रुपया तो पच्चीस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उतना नहीं बढ़ेगा मतलब मार्केट आर नॉट दैट वोलाटाइल इफ ये गेम इफ ये इसका मतलब क्या है

हजार बारह सौ पंद्रह सो हो जाता है तो जितना ऊपर जाए उतना बढ़िया है अगर शेयर प्राइस हजार जाएगा तो चार सौ का पे ऑफ अगर शेयर प्राइस बारह सो जाएगा तो छह सौ का पे ऑफ अगर शेयर प्राइस पंद्रह सौ जाएगा तो नौ सौ का पे ऑफ लेकिन अपने हक का प्रीमियम कितना रुपया उसको माइनस करेंगे तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा पे ऑफ माइनस प्रीमियम इज वॉट प्रॉफिट ठीक है ऑप्शन इज अ अटिलिटी गेम लिखो एक लाइन लिखो लिखो के बाद लिखना नोट्स में लिखो थोड़ा ज्यादा नहीं करवा रहा हूं बेसिक करवा रहा हूं Option is a volatility game. Option is a volatility game. The buyer of option has. limited loss and wants the market to have huge volatility <tum> अरे भाई शेयर प्राइस कुछ भी हो जाए द लॉस इज लिमिटेड टू वॉट द प्रीमियम दैट आई हेव पेड ठीक है ना द सेलर ऑफ ऑप्शन हेट्स वो द सेलर ऑफ ऑप्शन हेट्स वो क्यों ऐसा क्यों ऐसा बिकॉज अगर मान लो मार्केट में तूफान आ जाएगा तो भाई उसका तो लॉस इज अनलिमिटेड ना बट द पे ऑफ दिन जो जो प्रीमियम वो कलेक्ट किया दैट इज लिमिटेड एक एग्जाम्पल देखो ये मान लो 600 है कॉल बेच दिया तीस रुपए का प्रीमियम खा लिया छह प्रेस मेच्योरिटी कैन बी 800, 900, नाइन वन थाउजेंड एनी राइट तो अगर ऐसे शेयर प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा उसका लॉस का तो कोई लिमिट नहीं है ठीक है लेकिन वो प्रीमियम जो खाया कितना खाया तीस रुपए ही खाया ना ठीक है इसका पे ऑफ भी अपने सीखे थे ठीक उल्टा बनता है इसका पे ऑफ कुछ ऐसा बनता है ऐसे जा रहे हैं और फिर ऐसे हो जाता है क्योंकि शेयर प्राइस जैसे मान लो ये अपना है छह सो प्राइस के नीचे तो लैब्स है ठीक है ऊपर में क्या है अगर 601 होगा तो एक रुपए का नुकसान 602 होगा तो दो रुपए का नुकसान 603 होगा तो तीन रुपए का नुकसान एंड सो ऑन ठीक है कॉपी कर लीजिए अब ना मैं आप लोगों को एक सम दूंगा आज जैसे मान लो एस बी आई का ही शेयर प्राइस ले लो मान लेते हैं स्पॉट चल रहा है आठ सौ ठीक है हमने क्या किया है एक कॉल बाय किया है प्रीमियम दिया तीस रुपया एक पुट बाय किया है प्रीमियम दिया पैंतीस रुपया इन दोनों का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आठ सौ है फिर हमने क्या किया है एक कॉल सेल किया है ठीक है कॉल सेल किया है हमने साढ़े आठ सौ का ठीक है और हमने जो आ, प्रीमियम खाया है हमने खाया है पंद्रह रुपए का प्रीमियम हमने एक पुट सेल किया है साढ़े सात सौ का और हमने जो प्रीमियम जो खाया है वो हमने खाया है आ, बीस रुपए का ठीक है और शेयर प्राइसेस मैं दे देता हूं आपको शेयर प्राइसेस मैं आपको दे देता हूं सेवन हंड्रेड सेवन ट्वेंटी फाइव सेवन फिफ्टी सेवन सेवेंटी फाइव एट हंड्रेड एट ट्वेंटी फाइव एट फिफ्टी ठीक है 875 और 900 ये अपने शेयर प्राइस दे दिए ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है सी प्लस का फिर करना है पी प्लस का फिर करना है सी माइनस का फिर करना है पी माइनस का फिर अपने करेंगे टोटल प्रीमियम का फिर अपना आएगा टोटल प्रॉफिट पहले पे ऑफ फिर उसके बाद में टोटल प्रीमियम तो टोटल प्रीमियम वाला कॉलम मैं आपके लिए भर देता हूं ठीक है तो टोटल प्रीमियम क्या हुआ तीस और पैंतीस सिक्सटी फाइव लगा और आया कितना थर्टी फाइव तो नेट नेट अपना कितना लग गया तीस रुपए लग गया हर केस में तो ये सब में सेम रहेगा ठीक है अब ट्राई करिए मैं आपको दस मिनट का टाइम दे रहा हूं ट्राई करिए देखो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान देना भाई ये कोर अगर तुम लोग बेसिक समझ गया ना फिर पूरा सीएम2 पिकअप करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा थोड़ा सा मार्केट्स फॉलो करना न्यूज़ फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है तो आज इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज घर पे जाके सब लोग पढ़ेगा और फिर कल सेम टाइम पे क्लास है ठीक है दशहरा कितना तारीख का है ठीक है ठीक है तो तुम लोग तो ग्रेजुएट है ना दोनों जन तो तुम लोग का टाइमिंग का तो ऐसा कोई वो नहीं है ठीक है बेस्ट एकदम तो। चलो अब तुम लोग रहता कहाँ है अच्छा तो आने में टाइम लगता होगा थोड़ा ठीक है देखो तो आपने जब कॉल ऑप्शन जो बाय किए हैं तो अपना स्ट्राइक प्राइस कितना है कॉल ऑप्शन जब अपने बाय किए तो अपना स्ट्राइक प्राइस है एट हंड्रेड तो आठ सौ के ऊपर जाने से पे ऑफ चालू आठ सौ के नीचे गया तो लैप्स तो लैप्स 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 यहाँ पच्चीस का पे ऑफ यहाँ पचास यहाँ पिछहत्तर और यहाँ सौ पी प्लस में क्या है कितने का पी प्लस है आठ सौ का तो आठ सौ के नीचे जाने से पे ऑफ चालू आठ सौ के ऊपर गया तो लैप्स तो आठ सौ के नीचे यहां आएगा सौ यहाँ आएगा सेवेंटी फाइव यहाँ आएगा फिफ्टी यहाँ आएगा ट्वेंटी फाइव यहाँ आएगा लैप्स कॉल ऑप्शन सेल की है सेल कितना स्ट्राइक है एट फिफ्टी के ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा नीचे जाने से लैप्स तो लैप्स 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 कहाँ तक एट फिफ्टी तक लैप्स फिर यहां पर पच्चीस का माइनस और यहां पर पचास का माइनस पुट ऑप्शन बेचा है मतलब कितने का बेचा है साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ के नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा ऊपर जाने से लैप्स ठीक है तो सात सौ में क्या होगा पचास यहाँ पच्चीस यहां से लैप्स होना चालू हो जाएगा समझा अब देख लो यहाँ सौ आया पचास गया और तीस गया तो टोटल क्या हो रहा है देखो पहले टोटल पे ऑफ आएगा एक कॉलम में भूल गया बट तुम लोग घर पे जब इसको रीडू करेगा तो टोटल पे ऑफ फिर उससे टोटल प्रीमियम प्लस माइनस जो भी है और फिर टोटल प्रॉफिट ठीक है तो 100 में 50 गया तो 50 में 30 गया तो 20 फिर यहां हम्म फिर यहां फिर हाँ नेगेटिव 5 फिर नेगेटिव 30 नेगेटिव फिर यहां पर कितना आ रहा है ठीक है इससे क्या समझ में आ रहा है अगर मार्केट थम गया तो तुमको नुकसान होगा अगर देखो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आठ पे अगर मार्केट 800 का 800 पे रह गया तो तुमको नुकसान होगा इसका ग्राफ देख लो कैसा बनेगा इसका वही मैं बता रहा हूँ ग्राफ से देख के समझ में आएगा देखो इसका प्रॉफिट का ग्राफ देखो नेट नेट अपने को तो प्रीमियम लगा है ना कितना का प्रीमियम लगा है तो देखो यहां से चालू होगा ठीक है यहां से ये यह जा रहा है ऐसे और यहां से ऐसे हो रहा है और यहां से ये यह जा रहा है ऐसे और यहां से यह ऐसे हो रहा है क्यों पता है अब मैं ऐसा क्यों बनाया हूं तुम सात सौ के जगह तुम कुछ भी ले ले तुम जीरो भी लेगा ना तो भी तेरा बीस ही आएगा और तुम यहां पर नौ सौ के जगह कुछ भी ले ले तुम 9000 भी लेगा ना तो भी तेरा बीसी आएगा क्योंकि तुम्हारा रिस्क इसमें लिमिटेड है ठीक है क्योंकि तुमने क्या किया है देखो तुमने कॉल बाय किया नेट नेट देखो ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आठ था ना तो अपना ब्रेक इवन हो रहा है आठ पे और यहां हो रहा है तीस कम मतलब सात और ये पॉइंट पता है कौन सा है ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है साढ़े आठ सौ और ये वाला पॉइंट है साढ़े सात सो दिखाता हूं मैं तुमको देखो साढ़े सात सौ देखो सबसे पहले साढ़े सात सौ पे बीस आ रहा है हाँ साढ़े सात सौ के ऊपर कुछ भी हो कुछ भी हो वो बीस पे कॉन्स्टेंट हो जा रहा है ठीक है देखो तुमने क्या किया तुमको लगता है मार्केट ऊपर तो जाएगा या फिर नीचे तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा चीज समझो मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट में तेजी है या फिर तुमको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में वोलेटिलिटी है बट बहुत ज्यादा नहीं है तो यू डोंट वांट द एक्स्ट्रा रिटर्न्स एक्सट्रा रिटर्न आठ सौ के ऊपर का यू डों सात सौ के नीचे का यू वांट टू हैव स्टेबल रिटर्न्स तुमने स्टार्टिंग में क्या किया कॉल बाय किया तो प्रीमियम लगाया तीस का और तुमने कॉल सेल किया तो प्रीमियम खाया कितने का पंद्रह का तो नेट -नेट, नेट नेट क्या हुआ नेट नेट क्या हुआ बताओ नेट नेट पंद्रह लगा राइट right. तुमने पुट बाय किया 35 में पुट सेल किया 20 में तो नेट नेट 15 अगेन तो तुम्हारा नेट नेट जो प्रीमियम लगा वो कम लगा ना बिकॉज यू डोंट द रिटर्न अब यू फॉर गिविन द रिटर्न क्योंकि तुमने ऑप्शन सेल किया है इसको बोलते हैं स्प्रेड स्ट्रेटेजी ठीक है तो बेसिकली इसमें दो टाइप का है ठीक है एक तुमने बुल स्प्रेड बनाया और एक तुमने बियर स्प्रेड बनाया ठीक है बहुत सिंपल है ये ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे ठीक है कल प्लीज पक्का से सब लोग अच्छे से रिवाइज करके आना कल हम लोग चालू करेंगे मनीनेस पे और कल हम लोग ग्रीक्स करेंगे ठीक है अभी ये वाला जो क्लास है ये हम लोग खाली ऑप्शंस ही करेंगे ठीक है अभी हम लोग खाली ऑप्शंस पे ही ध्यान देंगे ऑप्शंस करेंगे इसका सम्स वगैरह बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग चालू करेंगे मैं वापस से सीएम टू का पूरा स्ट्रेटजी रिपीट कर देता हूं ताकि किसी को कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं हो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हमें ठीक है ये जो आपने बनाया है बेसिकली सीएम टू में अभी हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं ठीक है डेरिवेटिव्स का मैं फुल कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा Derivatives का मैं फुल कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा ठीक है और मैं सम्स भी कराऊंगा ठीक है इसके बाद में हम लोग जाएंगे ब्राउन इंड मोशन में फुल कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा सम्स भी कराऊंगा ठीक है ये मेरा टारगेट रहेगा बेसिकली उसके बाद में हम लोग आएंगे फाइव स्टेप प्रूफ में एंड ब्लैक स्कोल्स में ठीक है फुल कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा सम्स भी कराऊंगा ठीक है उसके बाद में हम लोग आएंगे टर्म स्ट्रक्चर एंड क्रेडिट रिस्क में

नो no प्रॉब्लम अगर अपने यहां पर कर रही है अपने जनवरी में करेंगे नो no प्रॉब्लम में क्लासेस नहीं है ठीक है नवंबर नाइनटीन टू ट्वेंटी सेकेंड और ट्वेंटी थर्ड उसके बाद क्लासेस नहीं है सीएम टू की इंडस्ट्री एक्सपर्ट के क्लासेस चलेंगे पेपर बी के और पेपर ए के ठीक है नो वरीज एंड इफ यू आर फीलिंग एनी

ऐसा ना रहे कि कुछ छूट जाए मतलब एक भी एलओवेस को अपने को छोड़ना नहीं है ठीक है एंड रिकॉर्डेड को प्लीज करके पूरा इंस्टीट्यूट का मैट एकदम अच्छे से पूरा पढ़िए ठीक है ना वो आपको दिया हुआ सॉफ्ट कॉपी में उसको जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना कम है ठीक है ओके हम लोग होपफुली अभी आने वाला नाइन टेन इलेवन टाइव डेज तो होपफुली हम लोग डेरेवेटिव ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे बट अभी कंप्लीट नहीं होगा अपने को सम्स भी प्रैक्टिस करना है ठीक है ना तो टाइम लगेगा अभी डेरेवेटिव चलेंगे अभी थैंक यू कल मिलते हैं दो बजे